ऋतिक ने अपने पर्सनल ट्रेनर मुस्तफा अहमद के न्यू जिम का मुंबई में किया लॉन्च, जहां ऋतिक ही रहे इस इवेंट के खास मेहमान। इस लॉन्च पर पहले तो अहमद ने बताया कि क्या राज है जो ऋतिक इतने फिट रहते हैं और वो कितना उनकी इस पर्सनालिटी का ध्यान रखते हैं। को बहुत सारे वेरिएशन आने पड़ते हैं क्योंकि इनको इतना टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हुए, ये इतनी चीज़ें जानते हैं कि बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, तो मुझे इसीलिए ऑल द टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और इनको फिर जाके बताना पड़ता है। वेल ऋतिक, अब तो आपको फिट रहने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है क्योंकि 2 साल बाद आप क्रिश 4 में एक बार फिर से जो नजर आने वाले हैं। तो भैया देखो, 2 साल हैं अभी, स्क्रिप्ट पर काम अब तक चल रहा है, बहुत कुछ लॉक हो चुका है, लेकिन अब तो शुरुआत है, बहुत ही मतलब लगने वाला है टाइम। ऋतिक से यहाँ सुपर 30 पर भी किया गया सवाल, लेकिन ऋतिक तो किसी भी फिल्म पर बात ही नहीं करना चाहते। जी हाँ, वो तो अभी हो रही है ना, शुरुआत उसका अभी हो रहा है, तो उसका टेंशन है अभी बहुत। हालांकि ऋतिक ने यहाँ यंगस्टर्स को फिटनेस टिप्स जरूर दिए। द बिगेस्ट मंत्र आई कैन गिव यू इज दिस, दैट इवन इफ यू कैन टेक आउट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स अ डे वर्कआउट। ऋतिक ने यहाँ रिबन काटकर जिम का इनॉग्रेशन किया और फिर अपने फैंस, मीडिया और ट्रेनर्स के साथ केक भी काटा।